आज का टॉपिक रहेगा बहुत ही नाम मुराद बीमारी शुगर, जिसको डायबिटीज बोलते हैं और जिसको ग्लाइकोसीमा डायबिटी बोलते हैं। तेरे को आज इस बीमारी के ऊपर आपको बताया जाएगा, इसके होने के कारण क्या हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो शुगर के लिए हानिकारक हैं, आपकी हॉरोस्कोप में देख के आप कैसे बता सकते हैं कि ये शुगर का पेशेंट है, और दो हॉरोस्कोप लगाई जाएंगी जिसमें शुगर के बारे में पढ़ा जाएगा कि इसको शुगर है। तो इसको अच्छी से समझने के लिए मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एक बार में नहीं समझ आए तो आप रिपीट कीजिए, इसको दोबारा देखिए, तो मेरा यकीन है कि आपको अच्छी से समझ आ जाएगा। अब चलते हैं शुगर की बीमारी की तरफ। तो आगे चलते हैं, एक बहुत ही नाम मुराद बीमारी जो छठे घर से रिलेटेड है वो है शुगर, डायबिटीज। जब से ये दुनिया बनी है, शुगर की बीमारी भी उसी समय से बनी है। डायबिटीज इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन एंड इज मदर ऑफ वेरियस डिजीजेस। इट इज़ ए साइलेंट किलर एंड किल्स 1 person every 10 seconds। अभी तक का डाटा ये है कि हर 10 सेकंड के बाद दुनिया में कहीं ना कहीं एक मरीज शुगर की वजह से अपनी ज़िंदगी गवा रहा है। इट इज़ ए वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर मोर देन 3.2 मिलियन डेथ्स आर एट्रीब्यूटेड टू डायबिटीज। कोई करीब 30,02,000 जो डेथ है डायबिटीज की वजह से हर साल होती है। डायबिटीज मेलिटस इज ए डिजीज ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म आपका बॉडी में जो होता है, उसका जब वो हिलता है, जब वो डिस्टर्ब होता है, तो डायबिटीज़ की डिजीज़ हो जाती है। इन दिस डिजीज़ देर इज एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड एंड ब्लड टिश्यूज। इस बीमारी में आपके खून में ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा और जो ब्लड टिश्यूज़ होते हैं उनमें ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा होना कारण बताया जाता है। बट इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। जो यूज नहीं होता वो दूसरे ऑर्गन्स पे पड़ता है। इट इज़ ए केस ऑफ स्टारवेशन इन द मिडस्ट ऑफ द पेलेंटी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ ए हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। जब इंसुलिन की कमी आपकी बॉडी में होती है तो ये डिजीज़ होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। पेनक्रिया एक ऑर्गन है आपकी बॉडी में जो इंसुलिन बनाता भी है और इंसुलिन की सप्लाई भी हमारी बॉडी में करता है, जो हमारी खाने के बाद जितना भी हम शुगर इनटेक करने के बाद खाना खाने में जो शुगर एक्सट्रैक्ट निकलता है, ये इंसुलिन उसको न्यूट्रलाइज करने के काम आती है। विच ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज इनटू यूजफुल कंपोनेंट्स फॉर यूज बाय द बॉडी। ये जो पेनक्रिया जो इंसुलिन बनाता है ये कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज को ब्रेक कर देती है और ऐसे यूजफुल कंपोनेंट बनाती है जिनको बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है और बॉडी इसका इस्तेमाल करती है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय हाइपर ग्लाइसीमिया एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड एंड ग्लाइकोसूरिया लैक ऑफ ग्लूकोज शुगर इन द यूरिन। दो तरह की होती है, एक हाई ब्लड प्रेशर हाई शुगर होती है जिसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया, जो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने से होती है, और एक ग्लाइकोसूरिया होती है, ये लो शुगर जिसको बोलते हैं कि मेरे को शुगर कम हो रही है मेरी, जिसमें बॉडी में शुगर नहीं होती उसकी होती है। डिजीज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट ग्रेड विच इज़ कॉज्ड बाई द मिडल एज। ये दो तरह की शुगर होती है जो मिडल एज में होती है। टाइप टू वराइटी इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया एक्सेस शुगर इन द ब्लड, हाइपोग्लाइसीमिया डेफिशिएंसी ऑफ शुगर इन द ब्लड,
Second variety is more dangerous and may make one unconscious or even dead. जो hypoglycemia है ये बहुत खतरनाक है. शुगर बढ़ गई तो वो स्लो किलर है. वो आपके ऑर्गन्स पे पड़ती है, वो आपकी आंखें ख़राब कर सकती है, किडनी ख़राब कर सकती है, आपके हार्ट को ख़राब कर सकती है, लीवर को ख़राब कर सकती है. लेकिन जब शुगर कम हो जाती है तो अचानक आप बेहोश हो जाते हैं. किसी को पता भी नहीं होता कि आप क्यों बेहोश हुए हैं. जिनको पता होता है तो वो कुछ ना कुछ आप स्लिप लिख के अपनी पॉकेट में, जिनको शुगर लो होती है वो स्लिप लिख के अपनी पॉकेट में डालते हैं कि यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरी जेब में टॉफ़ी पड़ी है, उस मेरी जीप में डाल देना, जीप पे रख देना. तो ऐसी ऐसी चीज़ें. और लेकिन जो हाइपरग्लाइसीमिया है इसकी भी प्रॉब्लम है. ये साइलेंट किलर है. ये आपकी सीरियस डिजीज़ ऑफ हार्ट, ब्रेन, आइज़, ईयर एंड किडनी की आपको दे सकती है. इट इज़ लार्जली ए हेरिडिटी जेनेटिक डिजीज़ बट कैन बी कंट्रोल्ड विद प्रॉपर डाइट एंड मेडिकेशन. हैक्टिक बट सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेसफुल शेड्यूल्स आर काजिंग इट टू स्ट्राइक अर्ली. आपकी ज़िंदगी में यदि आपका शेड्यूल बहुत हैक्टिक है, वो भी ख़राब नहीं है, ख़राब है. यदि बहुत ही आप सुस्त तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं वो भी ख़राब है. यदि स्ट्रेस है आपकी ज़िंदगी में वो भी ख़राब है. ये तीनों चीज़ें शुगर होने का कारक बनती हैं. और द साइंस ऑफ पॉसिबल डायबिटीज आर सडन लॉस ऑफ एनर्जी एंड वीकनेस, एक्सेसिव थर्स्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट, थिनिंग एक्सट्रीम पोर्शन ऑफ लिम्स. आपके मसल्स जो हैं अचानक हल्के पड़ जाना एंड स्लो रिकवरी इन इन्फेक्शन वाउंड्स. ये इनकी पहचान है. जो इसके पहचान है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में आपको अचानक थकावट होने लग जाती है, आपको लगता है कि मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है, और आपको प्यास ज़्यादा लगती है, आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है बाथरूम, और कई बार आपका वेट लॉस होता है, आपको रीज़न समझ नहीं आता क्यों हो रहा है. और इस ये आपकी ये निशानियाँ हैं इसकी. आपके जख्म जल्दी ठीक नहीं होते तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए. इन इंडिया जर्मिनेटेड जर्म्स, जामुन, करेला जूस और नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर गुड रिलीफ फॉर सेंचुरीज. हमारी आयुर्वेद में जर्मिनेटेड ग्राम, हमारे जो भुने हुए अंकुरित चने होते हैं, और जामुन, जो हमारा जामुन बहुत ही अच्छा फल है, सीजनल फल है, करेले का जूस जो सारी 12 महीने 30 दिन हमें अवेलेबल होता है, नीम के पत्ते, इसको कंट्रोल करने के लिए सदियों से यूज किए जा रहे हैं. जुपिटर पेनक्रिया को कंट्रोल करता है. जब कभी जुपिटर ख़राब हो जाता है तो पेनक्रिया की डिजीज़ हो सकती है. द लीवर एंड कार्बोहाइड्रेट्स, बृहस्पति पेनक्रिया के साथ साथ आपका लीवर उसको भी संभालता है, उसका भी कारक है, और कार्बोहाइड्रेट्स का भी यही कारक है. वीनस रूल्स ओवर द एंटायर हार्मोनल सिस्टम एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी. जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको वीनस कंट्रोल करता है, और अपने हार्मोन भी जितनी बॉडी में है वो उनको कंट्रोल ही करता है. अफ्लिक्शन टू जुपिटर वीनस अलॉन्ग विद मून, चंद्रमा के साथ बृहस्पति की और शुक्र की जो अफ्लिक्शन है, छठे घर में अफ्लिक्शन, छठे घर के स्वामी के साथ अफ्लिक्शन और वर्गो साइन को अफ्लिक्शन डायबिटीज़ को जन्म देती है. जिसकी हॉरोस्कोप में ये चीज़ें हों उसको बहुत ही ध्यान से अपने जीवन की दिनचर्या को बदल देना चाहिए, क्योंकि उसको ये खतरा है कि उसको डिजीज़ कभी भी हो सकती है. अफ्लिक्टेड एंड डेबिलिटेटेड जुपिटर और वीनस इन सिक्स्थ एंड एट्थ हाउस, सैटर्न एंड राहु अफेक्टेड जुपिटर बाई एसोसिएशन एंड एस्पेक्ट, कम्बस्ट एंड डेबिलिटेटेड जुपिटर एंड राहु एंड केतु एक्सिस, जुपिटर एंड वीनस एज फंक्शनल मेलिफिक इन सिक्स हाउस एंड एस्पेक्टेड बाई मेलिफिक्स, अफ्लिक्टेड जुपिटर रेट्रोग्रेड इन त्रिक हाउस विदाउट बेनिफिक इन्फ्लुएंस, फिफ्थ लॉर्ड इन द त्रिक हाउस एंड अफ्लिक्टेड, मार्स एंड टेंथ एंड अफ्लिक्टेड बाई सैटर्न,
जुपिटर इन नक्षत्र ऑफ द एस्पेक्टेड, चाहे राहु के नक्षत्र में हो, राहु के साथ बैठा हो, या राहु देख रहा हो तो भी शुगर हो सकती है। जुपिटर और वीनस अफ्लिक्टेड इन सेकंड हाउस बाय लग्नेश इज़ इन द सिक्स्थ हाउस इन डेबिलिटी, ये शुगर का मेन कारण हो सकते हैं। आगे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, द लग्ना मून जुपिटर एंड वर्गो आर अफ्लिक्टेड जुपिटर इन सिक्स्थ वीनस इन ट्वेल्थ वाइस वर्सा, स्ट्रॉन्ग मेलिफिक एट्थ लग्ना वाइल जुपिटर इज विद द वीनस मून अफ्लिक्टेड, ये मार्स विद जुपिटर एंड वीनस इन सिक्स्थ हाउस और वर्गो साइन एंड अफ्लिक्टेड, ए मेलिफिक इन त्रिक हाउस इन ए वाटरी साइन काजिज शुगर, सैटर्न सन एंड जुपिटर अब्लिक वीनस इन फिफ्थ हाउस शुगर के लिए दावत देते हैं। वाटरी साइन एंड वाटरी प्लैनेट्स आर अफ्लिक्टेड, ये भी शुगर के लिए दावत देते हैं। तो ये शुगर, डायरिया, डायसेंट्री, कॉलरा, ये चार डिजीज आपकी कंप्लीट हो गई हैं। और आगे आती है लीवर डिजीज़, लीवर के बाद जॉन्डिस बाद सोराइसिस ऑफ लीवर, ड्रग एडिक्शन, स्किन डिजीज़, ये आपके छठे घर की और बीमारियां हैं। एक्जिमा भी इसी में आता है, चिकन पॉक्स भी इसी में आती है, ल्यूकोडर्मा फलवेरी भी इसी में आती है, लेप्रोसी एंड कुष्ठ रोग वो भी इसी में आते हैं। तो ये सिक्स्थ हाउस की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा हैं, इसी तरह आठवें घर की बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये छठा घर बीमारियों का घर है, जंक्शन है बीमारियों का। छठे घर को जितना पढ़ोगे, जितना जानोगे, कार्क बीमारियों के जितने जानोगे, उतनी ही आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल कर लोगे, ऐसा मेरा मानना है। आशा है आप इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे और इसको अच्छी तरह से करोगे। आशा करता हूँ आज का ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जितना डूबते जाओगे, उतनी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए आप से दोस्ती होती जाएगी और आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की समझ होती जाएगी, आप बीमारियों के बारे में जान सकेंगे। मेरी प्रार्थना है कि वीडियोज़ को बार बार देखें, अंत तक देखें, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें।